अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज हम बनाएंगे आटे और गुड़ के गुलगुले। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट। इसे बनाते वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे गुलगुले बहुत ही अच्छे, नरम और सॉफ्ट बनेंगे। तो हम यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने एक कप गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया था छुरी से, और उसमें मैं एक कप पानी डाल दूँगी और इसे मैं भिगा कर रख दूँगी कि ये थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने दो कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा जो होता है रोटी बनाने वाला, वही है। इसमें हम एक से दो चम्मच सफ़ेद तिल का ऐड करेंगे और एक चम्मच यहाँ पर हम कुटी हुई सौंफ ऐड करेंगे। तो सौंफ और तिल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुड़ गुलगुले में। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा दो पिंच जितना नमक ऐड करूँगी और दो पिंच जितना ही मैं यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा ऐड करूँगी। तो इससे हमारे गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे 10 मिनट के लिए भिगा दिया था, तो ये अच्छे से घुल गए हैं। इसे मैंने चला लिया था और फोड़ लिया था अच्छे से। तो देखिए, हमारे जो है ना, ये गुड़ का पानी तैयार है। अब हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर छलनी रखेंगे और इस पर हम ये अपना पानी डालेंगे। इस तरह से जो भी इसमें कचरा होगा तो वो छन जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले आधा पानी ऐड किया है और इसे हम पहले घोल लेते हैं। तो इसे हमें घोलते जाना है। देखिए, बहुत ही हार्ड है अभी ये, तो अभी इसमें हम और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर अब मैं सारा पानी ऐड कर दूँगी। देखिए, यहाँ पर जो कचरा आ गया है उसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पर इसे अच्छे से हमें घोलना है और हमें अभी इसमें पानी और लगेगा। तो यहाँ पर अब हम सादा पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें ऐड करेंगे। इसे हमें एकदम परफेक्ट घोल बनाना है, जैसा कि हम पकौड़ा बनाते वक्त तलते हैं, उससे थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो देखिए, हमारा घोल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह की होनी चाहिए। देखिए, जब हम इसे फ्राई करने लगे तो हम इस तरह से छोड़ेंगे, तो ये आराम से तेल में छोड़ सकते हैं हम इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा एक कप पानी में से थोड़ा सा पानी बच गया है, तो टोटल हमें यहाँ पर दो कप पानी लगा। अब हम यहाँ पर तेल गरम कर लेंगे। बहुत अच्छा तेल गरम हमें कर लेना है और यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब हम यहाँ पर तेल में इस तरह से गुलगुले इस तरह से हम छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है और इसे कुछ नहीं करेंगे हम, इस तरह से हम आराम से डालते जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी गुलगुले यहाँ पर आ सकते हैं कढ़ाई में, हम उतने ही ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने इसे कुछ भी नहीं किया है, ये खुद बखुद ऊपर आ जाते हैं और ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं ये। माशाल्लाह से देखिए, अच्छे से फूल गए हैं हमारे गुलगुले। तो अब जब ये ऊपर आ जाए तब हम इसे इस तरह से स्टर करेंगे और इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से हम चलाएंगे इसे कि ये सब साइड से, पूरी साइड से ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो देखिए, अभी थोड़े से बाकी हैं, अभी इसे हम और पकाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे जो गुलगुले हैं अच्छे से कलर इस पर आ चुका है, गोल्डन सुनहरा। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही देखिए परफेक्ट हमारे गुलगुले बने हैं, माशाल्लाह से गोल गोल और बहुत ही अच्छे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, आपके गुलगुले एकदम परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पर हमने गुड़ से गुलगुले बनाए हैं। आप अगर चाहे तो यहाँ पर शक्कर से भी गुलगुले बना सकते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, एक कप गुड़ की जगह आपको एक कप शक्कर लेनी है। तो हमारे गुलगुले रेडी है। सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की फुल्की भूख हो तो इसे हम बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को इसे हम टिफ़िन में रख कर देंगे, बहुत ही शौक से वो खाएँगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं ये गुलगुले, और हमारे यहाँ शादियों में भी ऐसे गुलगुले बनाए जाते हैं। हमने इसे आटे और गुड़ से बनाया है, तो ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो इस तरह से आप बनाएं, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग स्वीट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ।
ये खजूर और बिस्किट के रोल्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बनते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, सिर्फ 3 चीज़ों से हम इसे बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम खजूर ले ली है। मैंने यहाँ पर कीमिया खजूर ली है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसे हमने धोकर इसके बीज निकाल लेना है। और मैं इसे मेरे बिस्किट से बनाने वाली हूँ। आप इसे अपने कोई भी पसंद के बिस्किट से बना सकते हैं, लेकिन मेरे बिस्किट है जो बहुत ही फीके होते हैं, मतलब ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने इस बिस्किट से बनाया है। तो मैंने यहाँ पर 3 पैकेट लिया है 10 वाला। और बस हमें क्या करना है, इसी तरह से हाथों से ही हमने इसे टुकड़े कर लेने हैं, बड़े छोटे पीसेस कैसे भी आप कर सकते हैं, इस तरह से हमने हाथों से तोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट ही लिया था, 1 पैकेट बच गया है, तो 2 पैकेट में ही बहुत ज़्यादा हो गया था। थोड़ा सा डिस्काउंट में भी था बिस्किट्स, तो एक्स्ट्रा भी रहता है ना जो वैसा था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही बिस्किट के पैकेट तोड़े हैं। और इस तरह से थोड़े से बिस्किट्स को 2 मुट्ठी लेकर हमने मिक्सर में ऐसे बारीक सा पाउडर बना लेना है, देखिए इस तरह का, इसका हमें आगे काम लगेगा, तो इसे हम साइड में कर देंगे अभी। और एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच बटर ले लिया है, अमूल बटर, उसे गर्म कर लेना है। वज़न से देखेंगे तो ये 50 ग्राम होगा। और इसे जब ये मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर जो खजूर है उसे ऐड कर देंगे। तो खजूर को अच्छे से धोकर उसके बीज निकाल लेने हैं। जैसे जैसे ये खजूर गर्म होंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और मैश होने लगेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैश हो रहे हैं। इसी तरह से हम चलाते हुए स्पैटुला से ही इसे मैश कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसे कीमिया खजूर से ही बनाना है, आप अपने पसंद के कोई भी खजूर ले सकते हैं। अगर थोड़े से हार्ड होंगे तो आपने उसे मिक्सर में थोड़ा सा घुमा लेना है, तो घुमाकर हम इस तरह से पीस लेंगे और डायरेक्ट इसे हम मस्के के साथ डाल देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अच्छे से मैश हो गया है, तो मैं सारे बिस्किट जो टुकड़े हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। और अभी आपको लग रहा होगा कि बिस्किट बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये खजूर के साथ चिपक जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे। तो इसी तरह से हमें चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है बिस्किट खजूर के साथ। तो यहाँ पर हमने बहुत ही कम फ्लेम रखना है, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। और जब ये मिक्स हो जाए ना अच्छी तरीके से, तो फिर गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है। और इसे हम ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड पर। तो जब ये गर्म है तभी हमें ये काम करना है, गरम गरम हमने चॉपिंग बोर्ड पर इसे ले लेना है, सारा निकाल लेंगे हम। और इसे हाथों से सेट करेंगे तो ये गरम लगेंगे हाथों में, मगर इसे जल्दी जल्दी से हमने इस तरह से सेट करना है, रोल की तरह से हमने इसे सेट कर लेना है। सब तरफ से बराबर करेंगे और प्लेन करते जाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमने इसका रोल सा तैयार कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से इसका रोल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर में इसे रखेंगे और इसे रैप कर देंगे टाइटली, अच्छे से रैप कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन आधे से 1 घंटे तक हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब हम काटेंगे तो इसके पीसेस बहुत ही अच्छे तरीके से कट होंगे। तो इसे टाइट रोल कर लेंगे हम और इसके साइड्स को बंद कर देंगे इस तरह से घुमाकर, और फ्रिज में रख देंगे इसे हम 1 घंटे के लिए। तो ये टाइट रोल हमने बना लिया है, अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और ये देखिए 1 घंटे के बाद इसे मैंने निकाला है और इसका जो हमें बटर पेपर है इसे हम अलग कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह का रोल हमारा अच्छा सा टाइट हो गया है। अब ये जो हमने बिस्किट का चूरा बना लिया था मिक्सर में, तो उसे हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर ले लेंगे और इसे इस तरह से इसमें कोट कर लेंगे। इस तरह से बिस्किट हम इस पर कोट करेंगे ना, तो ये चिपचिपे से नहीं लगेंगे हाथों में। तो इस तरह से आप कोट कर लें। आप चाहे तो यहाँ पर नारियल का जो बूरा आता है डेसिकेटेड कोकोनट, उससे भी आप इसे कोट कर सकते हैं। अब इसे हम कट कर लेना है, तो 1/2 इंच के गैप से हमने इसे कट करना है और तेज़ धार वाली छुरी से कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। और देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाकर बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये, सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। और इसे खाकर अगर दूध पी लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोगों को मीठा नहीं पसंद होता है तो इस तरह से खजूर नहीं खाते हैं जो लोग, तो इस तरह से बिस्किट के साथ बनाएं तो ये मीठा कम लगेगा
और इसे डायबिटीज़ के पेशेंट भी खा सकते हैं, जिन डायबिटीज़ रहती है तो वो भी ये खाएंगे ना, ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न्यू अपडेट्स के लिए। मैं इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज मैं आपके लिए वर्मसली यानी कि सेवई की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी यूट्यूब पर आपको पहली बार देखने को मिलेगी। सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता, इसे आप 5 मिनट में फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में रखकर दे सकते हैं या फिर सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने आधा कप वर्मसली यानी कि सेवई ले ली है। ये भुनी वाली सेवइयाँ थी इसलिए मैंने इसे भुना नहीं है, और इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना है। बस थोड़ा सा डालेंगे कि ये भीग जाए, इसमें बस इतना ही पानी हमें इसमें डालना है। और इसे हम रख देंगे इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है बस, कि थोड़ी सी ये फूल जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप आटा। तो यहाँ पर आधी कप सेवई थी और आधा कप आटा, और आधा कप ही हमने यहाँ पर पाउडर शुगर लेना है। शक्कर को पीस कर और फिर उसे आधा कप ले लेना है। और इसमें हम डालेंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, और 2 चम्मच ही यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बादाम को चॉप करके डाल दिया है, बारीक बारीक चॉप करके। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो हमने बनाई है तो सेवई और आटे से हमने बनाई है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, सारी हेल्दी चीज़ें इसमें है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर इसे मैंने यहाँ पर आधा कप ही दूध ले लिया है। दूध को नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है हमें, और इसे धीरे धीरे मिक्स करना है। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसे मिक्स कर लिया है मैंने, और फिर इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। तो इसमें आधा कप दूध पूरा जाएगा, लेकिन इसे हमने थोड़ा थोड़ा सा करके मिलाना है ग्रेजुअली। और इस तरह से देखिए, अभी इसमें जो बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए कि जब हम इसे पैन में डालें तो ये आसानी से फ्लैट हो जाए। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह से हम पैनकेक बनाते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह की। अब इसमें मैंने इसमें 2 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल दिया है अच्छे कलर के लिए। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे बिना कलर के भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पैन में तेल को गर्म कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसे हमने शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के नाप से इसे डाल दिया है, और एक ही नाप का हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह की कोई किसी लेडल या चम्मच के नाप से आपने इस तरह से डाल देना है, और एक बार में जितने आएंगे पैन में बस उतने ही डालेंगे हम, कि इसे पलटने में दुश्वारी ना हो। और हाई फ्लेम पर हमें इसी तरह से इसे सेकने देना है, इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। जब ये खुद बखुद इस तरह से छूट जाएंगे नीचे से, तो और नीचे का हिस्सा अच्छे से सेक जाएगा, तो ही इसे हम पलटेंगे, वरना बहुत ही चिपकते हैं नीचे ये। तो जब ये नीचे का हिस्सा अच्छे से सेक जाएगा तभी इसे पलट लेंगे। और ये देखिए, अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आया है, बहुत जल्दी से ये सेक जाते हैं क्योंकि हमने इसे हाई फ्लेम पर बनाया है। इसे हाई फ्लेम पर ही बनाना है, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनते हैं, इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। तो जो इसमें वर्मसली का क्रंच वाला टेस्ट आता है, बहुत ही अमेजिंग होता है उसका टेस्ट। इसे उलट पलट कर चेक कर लेंगे, जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे हमने निकाल लेना है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा बढ़िया सा कलर इसमें आ चुका है, तो इसे निकाल लेंगे। और आप इसे चाहे तो टिश्यू पेपर में रख लें, क्योंकि जो इसका एक्सेस ऑयल है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले भी जो है बचे हुए फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे 3 बैचेस में फ्राई किया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार हमारे जो नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और आपने देखा कि हमने किस तरह से 5 मिनट में फटाफट से इसे घोला और बना लिया, तो बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में बना कर दें, या फिर अगर आप किसी सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में इसे बना कर ले जाएं। जब हम इसे खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा क्रंची सा इसमें टेस्ट आएगा सेवई का। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रश्ड मूंगफली की चिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। इलायची के फ्लेवर में बहुत अच्छी लगती है और बहुत जल्दी से और आसानी से बन जाती है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसे बनाने में। तो चलिए देख लेते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मूंगफली ली है। तो ये मूंगफली को हमने पहले रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गैस पर और इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसे लगातार चलाते हुए हम रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना इसके छिलके पर तो कलर आ जाएगा लेकिन ये अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करना है। और ये देखिए, ये इस तरह से जब इसका छिलका उतरने लगे तो ये अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमने इसके छिलके को उतार लेना है। और इस तरह से मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें सारे डाल देंगे और इसे हमने पल्स मोड पर सिर्फ 2 से 3 बार घुमाना है। इसे हमें क्रश करना है, बहुत बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह की हो जाएगी ये, इसी तरह की हमें चाहिए क्रश्ड। अब यहाँ पर मैंने 1/2 किलो गुड़ लिया है। यहाँ पर आपने याद रखना कि आपने 1/2 किलो मूँगफली ली है तो 1/2 किलो ही आपको गुड़ लेना है। और इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पिघलने देना है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, पानी नहीं डालेंगे। इसे इसी तरह से हमने मेल्ट करना है। इसे हम चलाते रहेंगे। सिर्फ हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। इसे अच्छा सा कलर आएगा, शाइनिंग आएगी चिक्की में। और ये जो गुड़ है ये नीचे से चिपकेंगे भी नहीं। इसे हम चलाते रहेंगे यहाँ तक कि ये गुड़ मेल्ट हो जाए। और इसमें हम डालेंगे 4 इलायची को मैंने कूट लिया है और इसे मैंने डाल दिया। इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है चिक्की में। और ये देखिए इस तरह से इसमें झाग आने लगा है। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट है कि नहीं चिक्की बनाने के लिए। तो यहाँ पर बॉल में मैंने पानी ले लिया था और उसमें हम थोड़ा सा 2 बूंद डाल देंगे। और इसे इस तरह से जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से हाथों में निकाल के चेक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब अब ये फैल रहा है हाथों से, तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा और पकाना होगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे और पका लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे फिर से चेक कर लिया है और इसे मैंने पानी में डाल दिया है। फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अब इस तरह से दबाने पर टूट रहा है। तो ये इसकी गुड़ की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस तरह का हमें हार्ड वाला गुड़ चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसमें हमने जो क्रश किए हुए सेंग मूँगफली है वो हमने इसमें डाल देने हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करना है गुड़ के साथ में। खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर, क्योंकि गुड़ में डालने के बाद जल्दी से हार्ड होने लगेंगे। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसे हमने देखिए इस तरह से जब ये तले को छोड़ने लगे और एक तरफ इकट्ठा होने लगे तो हमारे जो बैटर है चिक्की का ये रेडी हो गया है, तैयार है। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इसे जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टिश्यू पेपर पर घी से ग्रीस कर लिया है कि इस पर चिपके नहीं। और इस पर हमने चिक्की का बैटर डाल देना है। ये काम हमें जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि जैसे ही सूखती जाएगी चिक्की तो हार्ड होती जाएगी। और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पर मैं स्पैटुला की मदद से ही इसे फैला रही हूँ। आप चाहे तो इस पर बेलन भी चला सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको स्क्वायर का शेप दे देना है। तो चारों तरफ से हम इस तरह से दबाएंगे और लेवल करेंगे कि ये स्क्वायर शेप में आ जाए। तो इस तरह से दबा दबा कर मैंने चारों तरफ से इसे अच्छे से लेवल कर लिया है और ऊपर से भी अच्छे से चिकना कर लेना है हमें। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, तो हमने इसके पीसेस कर लेने हैं। क्योंकि जब ये एकदम से ठंडे हो जाएंगे तो इसके पीसेस करते नहीं बनेंगे, बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसकी साइड्स को अलग कर देंगे और फिर इसके पीसेस करेंगे। तो आप इसे मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जिस तरह से छोटी सी चिक्की होती है, जिस तरह से हम दुकान से लेते हैं बाज़ार से क्रश्ड मूँगफली की चिक्की, बस उसी तरह के मैंने इसे छोटी सी चिक्की का शेप दिया है। और इसे मैंने रख दिया था एकदम ठंडा होने के लिए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो हमने इसके पर एक बार फिर से इस तरह से चाकू से कट लगा लेना है।
सब तरफ हम चाकू से कट कर लेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। और अब हम टिश्यू पेपर अलग कर लेंगे चिक्की से। यहाँ पर देखिए मैंने टिश्यू पेपर अलग कर लिया है चिक्की से और इसके अच्छे से पीसेस अलग हो रहे हैं। तो देखिए क्रश वाली मूँगफली की चिक्की कितनी अच्छी टेस्टी लग रही है, बिल्कुल दुकान जैसी बनी है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना। इसे हम सिर्फ दो चीज़ों से बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं और इसे आप फ्रिज से बाहर रखकर महीने भर तक खा सकते हैं। इसे एयर टाइट करके रखना होगा। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों में।